आज हम बनाएंगे चीज केक। इसमें हमें केक को बेक नहीं करना पड़ता, झटपट तैयार हो जाता है और इसका स्वीट और सॉल्टी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसे चीज क्रीम के साथ बनाया जाता है, पर चीज क्रीम हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए आज हम घर पर ही चीज क्रीम बनाएंगे। चीज केक बनाने के लिए सबसे पहले हम चीज क्रीम तैयार कर लेते हैं। चीज क्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 लीटर फुल क्रीम दूध। पहले हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध में उबाल आ गया है और अब हमने गैस को बिल्कुल कम कर दिया है। यहाँ पर हमने 1 नींबू का रस लिया है। हम इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल लेंगे और अब हम इस नींबू के रस को दूध में डालेंगे। पानी हमने इसलिए मिलाया है क्योंकि नींबू का रस दूध में अच्छे से फैल जाए और दूध अच्छे से फट जाए। धीरे धीरे कर हम सारा नींबू का रस डाल देंगे। दूध को हम तब तक पकाएंगे जब दूध एकदम पानी हो जाए और पनीर एकदम बनकर तैयार हो जाए। देखिए दूध एकदम फट गया है और पानी भी एकदम अलग ट्रांसपेरेंट सा लगने लगा है, मगर अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे, बिल्कुल पानी जैसा लगने लगेगा और पानी बिल्कुल येलो कलर का आ जाएगा। दूध अच्छे से फट गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। थोड़ा सा हमें इसे रख देंगे जिससे कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। देखिए यहाँ पे दूध अच्छे से फट गया है और पनीर इसमें से अलग हो गया है। हमें इस कंडीशन में हमें कभी भी चम्मच नहीं मारना चाहिए, जो पनीर जमा हुआ होता है वो बिल्कुल बिखर जाता है। यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, उस पर हमने एक छन्नी रख दी है ऐसे, और फिर उसको हम एक मलमल के कपड़े से ऐसे ढक देंगे। और जो अब हमारा पनीर हमने बिल्कुल बना लिया है वो हम इसमें डालेंगे और अब हम सारा पनीर छान लेंगे। पानी नीचे चला जाएगा और पनीर इसके अंदर आ जाएगा। हमने सारे पनीर को छान लिया है और अब हम इसको ऐसे उठा लेंगे। हम इसको बिल्कुल भी दबाएंगे नहीं, दबाने से पनीर बिल्कुल अकड़ जाएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा ठंडा पानी चला देंगे। यहाँ पे पनीर का सारा पानी निकल गया है और पानी निकलने के बाद पनीर थोड़ा गर्म ही है। हम गर्म में ही चीज क्रीम बनाएंगे। अब हम इसको हाथ से जलते हुए जार में डाल देंगे। अब हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये 2 बार में अच्छे से पिस गया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच के करीब नॉर्मल मिल्क डालेंगे, 2 चुटकी नमक और 2 चम्मच डालेंगे मिल्क मेड। देखिए हमारे कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है और यही बन गई है हमारी चीज क्रीम। देखिए कितनी स्मूथ और कितनी क्रीमी लग रही है। अब हम इसको जार से निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर केक में इसको लगाएंगे। चीज केक का बेस बनाने के लिए हमने यहाँ लिए हैं 2 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट। इनको हम ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए बारीक पाउडर बनकर तैयार है। अब इसमें 200 ग्राम बटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। चीज़ केक बनाने के लिए हमें एक ऐसा मोल्ड चाहिए होगा जिसका बेस अलग हो सके। अब एक बेस रखकर उसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे जिससे केक बेस में ना चिपके। मोल्ड को टाइट कर देंगे और चारों तरफ बटर पेपर लगा देंगे, इससे केक चिपकेगा नहीं। सबसे पहले मोल्ड में बिस्किट का पेस्ट डालकर अच्छा सा चारों तरफ फैला देंगे। अब किसी बर्तन या फ्लैट ढक्कन की हेल्प से पेस्ट को अच्छा सा दबा देंगे ताकि एक अच्छा सा बेस तैयार हो जाए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम फ्रोस्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। 2 कप व्हिप क्रीम को अच्छे से बीट कर लेंगे। चीज क्रीम भी हमारी ठंडी हो चुकी है, व्हिप क्रीम भी अच्छे से बीट हो गई है। देखिए उल्टा कर भी गिर नहीं रही है, इसका मतलब ये फ्रोस्टिंग के लिए तैयार है। अब इसमें हम चीज क्रीम डालकर एक बार फिर से बीट कर लेंगे ताकि चीज क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए।
दो चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे। यहाँ पर हमने ली है 200 ग्राम व्हाइट चॉकलेट, जिसको हमें डबल बॉयलर मेथड से पहले ही मेल्ट कर ठंडा कर लिया है। इसको भी हम क्रीम में डालकर कट एंड फोल्ड टेक्निक से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि चॉकलेट मेल्ट भी होनी चाहिए और गर्म भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी क्रीम तैयार नहीं हो पाएगी। हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ली है, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है। इसको भी हम क्रीम में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बेस बनकर तैयार है। अब इस पर सारी चीज क्रीम जो हमने तैयार की है वो डाल देंगे। और अच्छे से पूरे बेस पे फैलाकर सेट कर देंगे। एक दो बार टैप कर देंगे ताकि बीच में हवा न रह जाए, और फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। आइसिंग के लिए हमने स्ट्रॉबेरी को छोटा छोटा सा काट लिया है। इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और हल्की गैस पर मेल्ट होने तक पकाएंगे। देखिए कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरी जेली बनकर तैयार हुई है। इसको ठंडा कर केक पर डालेंगे और अच्छे से फैलाएंगे। इससे केक का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब केक को हम 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अब केक को हम मोल्ड से डीमोल्ड कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया चीज केक बनकर तैयार हुआ है। यह बिल्कुल अलग तरह का केक है और इसको बेक भी नहीं करना पड़ता, और इसका स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें।